हमारे बीच में द हिडन हिंदू जो पुस्तक है उस पर आधारित परिचर्चा के लिए स्वयं सुप्रख्यात लेखक अक्षत गुप्ता जी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। अक्षत गुप्ता जी होटल व्यवसायियों के परिवार से हैं और अब बॉलीवुड के एक स्थापित पटकथा लेखक, कवि और गीतकार हैं। वह दो भाषाओं में लिखते हैं। तीन संबंधित उपन्यासों के सेट द हिडन हिंदू पर कई वर्षों से काम कर रहे थे, जिसकी पहली त्रयी के रूप में जो पहला पार्ट है उसका वो हिंदी के रूप में वो हमारे सामने प्रभात प्रकाशन की ओर से आया है। आपका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ, मध्य प्रदेश में आप पले बढ़े और अभी आप मुंबई में रहते हैं। आप उनसे सोशल मीडिया पर रूबरू होते ही रहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर हमारे बीच में। इस शानदार कॉलेज की प्रधानाचार्य रमा जी हमारे साथ में उपस्थित हैं। आपका मार्गदर्शन हमेशा से ही उनको मिलता रहता है और एक अच्छी बात अभी ये हुई है कि नैक से A++ ग्रेड शायद मिला है कॉलेज को। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत शानदार काम आपके सानिध्य में हो रहा है। हमको भी मार्गदर्शन प्राप्त होता है हमेशा। हमारे बीच में प्रभात प्रकाशन से प्रभात कुमार जी उपस्थित हैं। प्रभात प्रकाशन से ही पीयूष कुमार जी हमारे साथ में उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में प्रशांत सिंह जी हमारे साथ में हैं। मेरा नाम सार्थक है। अब कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो परिचर्चा के रूप में है, तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, कार्यक्रम शुरू करेंगे। अक्षत गुप्ता जी थोड़ा सा ब्रीफ अपनी किताब के बारे में आप सबको बताएंगे, उसके बाद फिर आप लोगों के जो भी प्रश्न होंगे उससे संबंधित। विषय है भारतीय पौराणिक चरित्र और उनकी वैज्ञानिकता, हर चीज़ को लेकर साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या है, हमारे जो कल्चर है उसमें कई प्रश्न मन में आते हैं तो। और हाँ हाँ जी, तो ऐसा कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी। सबसे पहले हम लोग हमारा मैं स्वागत की श्रृंखला शुरू करते हुए श्री पीयूष कुमार जी से आग्रह करूंगा कि आप अक्षत गुप्ता जी का पुस्तक संच दे करके स्वागत करें। मेरा पीयूष कुमार जी से आग्रह रहेगा कि आप प्रधानाचार्य जी का भी पुस्तक संच देकर स्वागत करें। कार्यक्रम संयोजक प्रशांत कुमार जी से आग्रह रहेगा कि आप प्रभात कुमार जी का पुस्तक संच देकर उनका प्रशांत जी का स्वागत करें। अच्छा, प्रशांत जी का स्वागत। हम क्या कहते हैं, पहले अपना सम्मान करो, अपनों का करो, फिर दूसरों का करो। तो प्रभात जी को दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी श्रोताओं का विशेष स्वागत। अब एक औपचारिक रूप से हम लोग पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। हमारे साथ में जो ऑथर है उनकी किताब द हिडन हिंदू, जिसका हिंदी का पहला पार्ट हमारे साथ में आज उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं स्वागत वक्तव्य के लिए श्री प्रभात कुमार जी से आग्रह करूंगा कि आप कुछ कहें, उसके बाद फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय के इस अत्यंत प्रतिष्ठित हंसराज महाविद्यालय में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभात प्रकाशन का सचमुच सौभाग्य है कि आज यहाँ इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक का लोकार्पण हंसराज कॉलेज के तत्वावधान में हो रहा है। यह पुस्तक प्रकाशित होकर लोकप्रियता के शिखर पर पहुंची है, हमें इसका एक
बड़ा कार्यक्रम करना था, तो वो कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न हो रहा है। मैं स्वागत करता हूँ लेखक अक्षत जी का और कॉलेज की प्रधानाचार्य आदरणीय रमा दीदी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और आभार भी कि उन्होंने इतनी सदाशयता के साथ यह कार्यक्रम करने की अनुमति दी और सारी व्यवस्थाएं की। आप सब छात्रों का भी हार्दिक स्वागत है, क्योंकि यहाँ जो आप विमर्श सुनेंगे वो आपके जीवन में एक बदलाव लाएगा, परिवर्तन लाएगा, और जो भारतीय जीवन मूल्यों की हम बात करते हैं उसकी स्थापना में एक महत्वपूर्ण कदम यह पुस्तक उठाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अक्षत जी की ये पहली कृति है, पर इस पहली कृति ने ही लोकप्रियता के शिखर को छुआ है। ये इतनी लोकप्रिय है कि अभी पहला खंड आया है और लोग पूछ रहे हैं दूसरी और तीसरी कब आएगी। तो अक्षत जी, मैं समझ सकता हूँ आपके ऊपर कितना दबाव होगा, पुस्तक का लेखन भी करना है, इस पर फिल्म बनने वाली है, उसकी स्क्रिप्ट भी आपको देखनी है, और अपना व्यवसाय जो आप करते हैं वो भी करना ही है आपको। तो हम सबकी हार्दिक शुभकामनाएं कि आप इस प्रकार से निरंतर अपना सृजनात्मक लेखन करते रहें, और जो विषय आपने स्पर्श किया है वो आज की पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे जीवन में एक अवसाद, निराशा और एक फ्रस्ट्रेशन आई है, उसको दूर करने का माध्यम पुस्तकें हो सकती हैं। अच्छी पुस्तकें पढ़ने से विचार भी आते हैं और हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। तो ये पुस्तक आपके जीवन को आलोकित करें और एक राष्ट्रीय भाव जागृत करें, सनातनता के प्रति एक हम लोगों के अंदर गौरव बोध हो, इसी दृष्टि से इस पुस्तक का प्रकाशन हमने किया है। ये अक्षत जी की लेखनी का ही कमाल है कि जो इस पुस्तक को पढ़ना शुरू करते हैं वो एक सिटिंग में ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं अगर बीच में छोड़ दी तो तारतम्यता टूट जाएगी, और बहुत ही मतलब किसी लेखक की पहली कृति को इतनी यशस्विता मिले ये बहुत दुर्लभ होता है। तो इसलिए अक्षत जी आपका बहुत बहुत आपका अभिनंदन, और आप इसी प्रकार से कीर्ति के शिखर को छुएं, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब आए हैं यहाँ पर, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। सचमुच प्रभात प्रकाशन का सौभाग्य है कि हमें यह अवसर मिला यहाँ पे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात कुमार जी। अक्षत गुप्ता जी के कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, जिनमें कई वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेके कल्चरल बातचीत करते हैं। जो स्टॉक में आप अभी आए थे, सुपरहिट प्रोग्राम रहा, MS धोनी प्रोडक्शन आज इस पर फिल्म बना रहा है, और आपके जो भी प्रश्न साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है हमारे कल्चर का उसको लेकर आएंगे, उन सब के जवाब देने के लिए अक्षत जी हैं। तो मैं अक्षत जी से आग्रह करूँगा कि आप आएँ, अपनी थोड़ा सा पुस्तक के बारे में थोड़ा सा जानकारी देकर अपनी फिर बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हाय गाइस, ये अभी जो यहाँ चल रहा है ना, ये बहुत ही फॉर्मल चल रहा है। सैटरडे का दिन है, सोचे थे बढ़िया 12 बजे तक कॉलेज ख़त्म करेंगे, कैंटीन जाएंगे, फिल्म देखेंगे, और वहाँ बैठना पड़ गया। यहाँ आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप लोग ये सोच के आए हैं कि फर्स्ट लेक्चर अटेंड करेंगे, सेकेंड बंक कर देंगे, फिर थर्ड में देखेंगे, और फर्स्ट लेक्चर में पता चले कि सेकेंड लेक्चर में सरप्राइज टेस्ट है जो मिस करना अलाउड नहीं है। ऐसा कब हुआ है, किसके किसके साथ हुआ है? बस मुझे अभी एग्जैक्टली वैसे ही लग रहा है आप लोग के सामने खड़े हो। तो सार्थक जी ने एक मेरा एक परिचय दिया, प्रभात सर ने भी एक परिचय दिया, थोड़ा बहुत परिचय आप लोगों को पता है, मगर जिस तरीके के परिचय के लिए मैं आजकल जाना जाता हूँ वो कुछ ऐसा है कि हाय हाय गाइस, माय नेम इज़ अक्षत गुप्ता, आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। तो यहाँ कोई स्पीच नहीं होने वाला है, बुक जो है वो है, उस पर भी बात करेंगे, पर ये बहुत वन टू वन कॉन्वर्सेशन, जैसे आप लोग लेंगे तो कुछ चीज़ें याद रहेंगी बाद में शायद। और मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कई लोग जो बैठे हैं ना, जिनको मुझे कहा गया मुझे आधे घंटे आप लोगों से बात करनी है, तो सॉरी लेकिन आप सबको मुझे कम से कम आधे घंटे बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे ना तो बहुत लोग मुझे नापसंद करेंगे बाद में, तो आप लोग अपना चेयर मोड़ लें, इट्स ओके। मैं हाँ, मतलब जब तक आप लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे मुझे लगेगा कि मैं भी ऐसे होके बात करूँ तो वो अच्छा नहीं लगेगा।
हम लोग बहुत ही आत्मीयता से एक दूसरे से बात करते हैं। हाँ, आराम से दो मिनट लेते हैं अपन। आप लोग पहले कंफर्टेबल हो जाइए जी। आप हैंड माइक है क्या? हैंड माइक है बाय एनी चांस? या इसको ले जा सकते? इसको नहीं ले जा सकते, ये पोडियम नीचे ले जाते हैं ना, तो नहीं वो वहाँ लगा। पोडियम यहाँ करवा, ये चल रहा है, ये पोडियम तो यहाँ नहीं है कि माइक कौन करवा दे आप यहाँ जब पूछो फिर से माइक ये वाला माइक कौन सा? ठीक है, हैंड माइक के आते तक मैं शुरू तो कर ही देता हूँ। तो यार ये 30 मिनट में 15-20 मिनट मैं बकबक कर लेता हूँ, फिर 10-15 मिनट हम लोग सवाल जवाब करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगेगी और आप लोग को लगेगा कि मैं दिल से बात कर रहा हूँ, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग खुल के इत्मीनान से मुझसे कुछ सवाल पूछ पाएंगे। बहुत छोटे से गांव से आता हूँ जिसका नाम है अंबिकापुर। सुना है किसी ने? किसने बोला ये सब आपको पता है? नाइस। तो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में एक इतना छोटा गांव है कि जहां पे कुछ 8 साल पहले प्लेटफॉर्म बना है, ट्रेन आनी अभी बची। तो मैं वहां पैदा हुआ और तो वहां पे ना एक रीजनल लैंग्वेज में एक कहावत चलती है, उससे आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगा कि मैं किस पृष्ठभूमि से आप लोगों के बीच में आके दिल्ली में खड़ा हूँ। वहाँ पर कहते हैं कि छोटे छोटे गाँव में खोल दें स्कूल जी, छोटे छोटे गांव में खोल दें स्कूल जी, 5 ठो कक्षा आए 1 ठो गुरु जी। छोटे छोटे गांव में खोल दें स्कूल जी, 5 ठो कक्षा आए 1 ठो गुरु जी, वही है हेडमास्टर और वही है चपरासी। ऐसन स्कूल में शिक्षक लाए फांसी। जे दिन बच्चा मन आए वो दिन शिक्षक मन नहीं आए, जे दिन शिक्षक मन आए वो दिन बच्चा मन नहीं आए, जे दिन दोनों आए वो दिन छुट्टी। तो अब आप सोचिए कि ऐसे किस स्कूल में कोई फेल हो सकता है? नहीं हो सकता ना, मैं हुआ हूँ। तो 6ठी क्लास में गुप्ता जी फेल हो गए थे। बड़े ताज्जुब की बात है कि लेखक बन के आपके सामने खड़ा हूँ, पर 6th क्लास में मैं फेल हो गया था। तो पहली बार समझ में आया कि फेल होना क्या होता है। ये नहीं पता था कि लाइफ में ये इतनी बार सीखना पड़ेगा कि फेल होना क्या होता है, लेकिन पहली बार फेल हुआ था क्लास 6th में। उस समय ना जब हम छोटे होते थे ना, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी होती थी, जैसे कि पेन टूट गया, यू नो, एक पेज में कुछ लिखा उसमें इंक गिर गया, बहुत बड़ी बातें हो जाती थी, मन खराब हो, खिलौना गुम गया। तब जाके समझ में आया कि 6th क्लास में फेल होना मतलब जूनियर्स क्लासमेट्स बनेंगे और क्लासमेट्स सीनियर्स हो जाएंगे। बहुत रोना गाना मचाए, ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, इस स्कूल में नहीं जाऊँगा। तो माता पिता ने हॉस्टल में फेंक दिया। अंबिकापुर से निकले और रायपुर के हॉस्टल में पहुंचे। तो जब अंबिकापुर छोड़ के जा रहे थे तो आसपास वालों ने बोला, बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतना गुस्सा आया ना सब पे। मैं होटल इंडस्ट्री से आता हूँ, आई एम दी 3rd जनरेशन ऑफ माई फैमिली इन टू हॉस्पिटैलिटी। तो ना बहुत अच्छा अच्छा खाना खाएं हम लोग बचपन से, क्योंकि होटल इंडस्ट्री के लोग हैं, उसकी थोड़ी सी छाप आपको मुझ में अभी तक दिख रही है। तो ये था कि हॉस्टल में जो देंगे वो खाना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, माता पिता से दूर रहना है, 6ठी क्लास का बच्चा, बहुत इरिटेशन थी। और सब बोल रहे थे, बेटा शांत हो जाओ, जो होता है अच्छे के लिए। हॉस्टल पहुँचे, हॉस्टल में किसी को पता नहीं था कि मैं 6th क्लास में फेल होकर 6th रिपीट कर रहा हूँ। तो पहला दिन क्लास का, और एक ओम पुहान नाम के एक हिस्ट्री टीचर आए उड़ीसा से, और उन्होंने पूछा, गिव मी दी शॉर्टेस्ट डिस्क्रिप्शन एंड डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। अब किसी को पता नहीं था कि मुझे ये आता है। मैंने हाथ उठाया, उन्होंने एक बार मौका दिया, मैंने वास्को डी गामा से शुरू करके ग्राहम बेल तक सब नाप दिया। उन्होंने बोला, शॉर्टेस्ट, बैठ जाओ। कुछ और बुद्धिजीवी थे मेरे ही हम उम्र, उन्होंने भी हाथ उठाया, उनसे भी सवाल पूछा गया, उन्होंने भी अपने अपने हिसाब से जवाब दिया। किसी ने टेस्ला बोला, किसी ने कुछ बोला, सबको बैठा दिया। मुझे लगा कि ये आदमी कन्विंस नहीं हो रहा है, तो मैंने फिर से हाथ उठाया, उन्होंने फिर मौका दिया, मैंने फिर कुछ बोला, बोले बैठ जा। फिर 2-4 लोगों को मौका मिला, मुझे लगा अभी भी आदमी कन्विंस नहीं हो रहा। मैंने तीसरी बार हाथ उठाया उनको इम्प्रेस करने के लिए, वो बैकफायर हो गए, गलत पासा चल दिया। तो उन्होंने बोला, क्या नाम है तुम्हारा, खड़े हो जाओ। बोला, सर अक्षत गुप्ता। बोलो, फिर कुछ कुछ मैंने बोला। तो अब तक वो भड़क चुके थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि द शॉर्टेस्ट डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी माई डियर इज दैट योर फादर डिस्कवर्ड योर मदर एंड इन्वेंटेड यू। तो वॉट माई फादर डिस्कवर्ड वॉज माई मॉम, एंड वॉट ही इन्वेंटेड इज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी।
धोती पहन के आया हूँ, लेकिन कोई श्लोक नहीं बोलने वाला हूँ। यहाँ आज की सभा में किसी की शादी नहीं होने वाली। तो ऐसे हॉस्टल में पहुँचे, हॉस्टल का की लाइफ शुरू हुई। 9-10 तक सब सही चला। एक एक करके लोगों को पता चला कि मैं 6th फेल होके आया हूँ। और 9th 10th पहुँचते, नाउ 10th इज़ अ वेरी क्रूशियल ईयर, राइट? हम सब ने क्रॉस किया है। 10वीं में टीचर्स और माँ बाप एक ही बात समझाते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे घोड़े जैसे एक ही काम करो, पढ़ाई करो, बाकी सबके लिए जीवन पड़ा है, करेक्ट? सबको बोला होगा, अगर आप हॉस्टल में हैं या एक अच्छे स्कूल में, किसी भी तरीके के स्कूल में हैं, तो आपको 10th में ना एक कीड़ा काटेगा, एक नया कीड़ा। उस कीड़े का नाम है यूनिटी। आपको सडनली दोस्ती यारी बहुत ज़रूरी हो जाती है, आप सब करने को तैयार हो जाते हैं। तो वो कीड़ा मुझे भी काटा। 10th क्लास में 11th और 12th वालों से झगड़ा किया, कम मारा ज़्यादा। कम मारा ज़्यादा पिटा और 10th में रेस्टिगेट कर दिया गया स्कूल से। वो था तो टेंथ क्लास में रेस्टिगेट कर दिया गया, लेकिन फॉर्म भरा गया था इसलिए एग्ज़ाम देने की अनुमति मिल गई थी। वहाँ कुछ बहुत अच्छे दोस्त बने, बहुत अच्छे टीचर्स थे, और वहाँ से फिर फेंका गया इंदौर में, मध्य प्रदेश। जब वहाँ से निकल के उधर जा रहे थे ना, तो भी वो जो अच्छे दोस्त और अच्छे टीचर्स थे ना, उन्होंने एक लाइन बोली, उन्होंने बोला बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है। उन सबसे प्यार था इसलिए ऐसा हुआ नहीं, लेकिन मन फिर वैसे ही किया, ये हो क्या रहा है। ये था सेकेंड फेलियर। इंदौर पहुँचे, 11-12 की पढ़ाई है, नया स्कूल है, बड़ा स्कूल है, रायपुर के स्कूल से बड़ा स्कूल था। इस स्थिति में मैं पहुंचा था इंदौर की, उस समय वो जो वाटर डिस्पेंसर होता था ना, कि ब्लू कलर का बटन मतलब ठंडा पानी, रेड कलर का बटन मतलब गर्म पानी, और वाइट कलर का बटन मतलब रूम टेम्परेचर। मैं एक कैफ़े में गया था, मैं उसमें से पानी नहीं निकाल पाया था। विश्वास मानिए, उस दिन मेरा पानी निकल गया था, ये समझ के कि मेरे को कितना कुछ सीखना बचा है। तो छोटी सी, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो पहली बार वहाँ पे पता चला था, कि मुझसे यंग लोग और इंदौर शहर 40 लाख लोगों की आबादी उस समय थी, और मैं वहाँ से आ रहा हूँ जहाँ का एक बंदा जब पहली बार एक एलीट कॉफ़ी शॉप में गया है तो वहाँ के वाटर डिस्पेंसर से खुद पानी नहीं निकाल पा रहा। तो लगा भाई बहुत सीखना है, एकदम दृढ़ निश्चय किया मैं बहुत कुछ सीखूंगा। 11-12 मन लगा के सब काम करूंगा, और 11-12 में फिर आपको एक नया कीड़ा काटता है, उसका नाम है इश्क। आपको प्यार हो जाता है, सबको नहीं, ज़्यादातर लोगों को हो जाता है। तो ये सब बताने का कारण ये है ना कि आप और मैं ज़्यादा अलग नहीं हैं, ताकि आपको बाद में समझ में आए कि ये ऑर्डिनरी सा बंदा अगर यहाँ खड़ा हुआ बोल रहा है, तो हम भी कभी ना कभी कहीं खड़े होकर बोल देंगे अगर सही लोगों का चयन किया तो। तो फिर प्यार हो गया। लड़कों को अमूमन आसानी से प्यार हो जाता है, एक होता है ना। ऐसा लड़कियों का मानना है। यहाँ पे थोड़ी सी बात अलग इसलिए थी क्योंकि लड़की को भी प्यार हो गया। मुझे मालूम है अगर प्रिंसिपल मैडम नहीं बैठी होती तो इस बात पे अच्छा हूट मिलता मुझे। तो फिर 2 साल बहुत अच्छा बीता। फिर हम कॉलेज में आए, कॉलेज में अलग अलग थे, उस समय मोबाइल्स इतने आसानी से उपलब्ध नहीं होते थे, तो एक ही शहर में 2 अलग अलग कॉलेज में हम लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की फीलिंग आ गई। 22.5 साल की उम्र में कॉलेज ख़त्म करते साथ हम दोनों ने शादी कर ली। 22 ईयर्स मैरिड। इससे आपको क्या सीख मिलती है कि 22 साल की उम्र में कभी शादी मत करो, क्योंकि 22 साल की उम्र में शादी नहीं होती है, 22 साल की उम्र में गलती होती है या करियर होता है। तो 22 साल की उम्र में शादी की, फिर इंदौर में रेस्टोरेंट शुरू किए क्योंकि खून में हलवाई था। एक रेस्टोरेंट से चालू किया, 2 किया 3 किया 4 किया 5 किया, खूब मेहनत किया। पर वो जो मेरी जो वाइफ थी, उनके परिवार को मैं कुछ खास पसंद था नहीं, जो कि ऑब्वियस है, अंडरस्टूड है, मतलब पसंद आने के लिए कुछ होना भी चाहिए ना पसंद आने के। पर मैं मेहनत पूरी शिद्दत से कर रहा था, इसलिए एक रेस्टोरेंट से एक अनजान शहर में शुरू करके 5 रेस्टोरेंट बनाए 8 साल में। 25 साल की उम्र में अटैक पड़ गया, हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक।
और उनके घर वालों ने पता क्या बोला, उन्होंने बोला हमने बोला था तू गलत लड़के से शादी करी, देख क्या हो गया इसके साथ। वहाँ से सडनली मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने लगे रिश्तों में, रिलेशनशिप में। एक प्यारा सा बेटा हुआ 6.5 साल का, नहीं मतलब हुआ छोटा ही था, धीरे धीरे बड़ा हुआ। कैसा सोचते हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? तो छोटा हुआ फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो 6.5 साल का बेटा हुआ, 5.5 साल का अफेयर था, 8.5 साल की शादी हो चुकी थी। और उस, आप लोग को मजा आ रहा है, बोर तो नहीं कर रहा मैं? तो 5.5 साल का अफेयर था, 8.5 साल की शादी थी, 6.5 साल का बेटा था। और उस समय मेरी पत्नी को मेरे एक दोस्त से प्यार हो गया, ये सच है। और उन दोनों ने डिसाइड किया कि इसको छोड़ के अपना अलग घर बसाते हैं। उससे भी अच्छी चीज़ डिसाइड की कि इसके बच्चे को साथ में ले जाते हैं। तो वो ले गए और मुझे बता दिया गया कि अब मैं आपके साथ नहीं हूँ और ऐसा ऐसा है, पिछले कुछ समय से चल रहा था। मैं उस बात से इतना टूटा, रोया, रिक्वेस्ट किया मत करो, मान सम्मान, घोड़ा गाड़ी, पैसा, स्टाफ, सोशल स्टेटस, बिजनेस, वर्क, फैमिली, सब करेक्ट चल रही थी, सब, जिसको बोलते द परफेक्ट लाइफ, वैसी चल रही थी। और फिर ये हो गया जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं होते। उसके थोड़े दिन पहले ये हुआ था कि मेरा जो बेटा है, मुझे घर परिवार के सारे बच्चे और मुझसे कम उम्र के लोग अक्की बोलते हैं, अक्षय कुमार वाला अक्की नहीं, यही वाला सिंपल सा। तो मेरे बेटे के लिए ऐसा था कि अक्की के पीछे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आप लगता था कि अक्की ये कर दीजिए, अक्की वो ले आइए, अक्की मुझे घुमाने ले चलिए। मेरा घर शहर से थोड़ा दूर था, आसपास स्टेशनरी शॉप नहीं था। उसने कहा था कि अक्की मुझे ड्राइंग कॉपी चाहिए। आपके घरों में आसपास बच्चे होंगे तो आपने देखा होगा कि ना ड्राइंग कॉपी में ये 5-6 साल के बच्चे एक पेज में एक स्टार बनाते और पन्ना पलट देते, 12-15 पन्ने का वो ड्राइंग कॉपी रोज खत्म हो जाता। तो उसने कहा कि बेटा अक्की ड्राइंग कॉपी ला के दे दीजिए। मैं बोला हाँ मैं ला दूंगा। 177 लोगों का स्टाफ, 5 रेस्टोरेंट्स, बिजी मैन, पूरे दिन काम किया। शाम तो हम आ ही नहीं पाते थे, रेस्टोरेंट में थे, 2-3 बजे रात को आते थे, आए, बच्चा सोया हुआ था, हम सो गए, सुबह उठा, लक्की मेरी ड्राइंग कॉपीज, शिट यार सो सॉरी भूल गया, आज ज़रूर ले आऊँगा। अच्छा ठीक है, फिर पूरे दिन बिजी थे, भूल गए। अगले दिन फिर पूछा, अक्की मेरी ड्राइंग कॉपीज, वेरी सॉरी, एक काम करूँगा, लेट हो गया, पनिशमेंट के तौर पर 2 ले आऊँगा। अच्छा ठीक है। तीसरे दिन रात को जब मैं स्टेशनरी शॉप शाम को गया, मैंने बोला यार 2 दिन बाद फिर बोलेगा, 1 डज़न ले चलता हूँ, चलता रहेगा, वो भी खुश हो जाएगा कि 2 बोले थे 12 लेके आए। उस दिन जब मैं घर पहुँचा ना, तो मेरी वाइफ मेरे बेटे को लेके जा चुकी थी, मैं वो ड्राइंग कॉपीज उसको दे नहीं पाया। उसके बाद वो ड्राइंग कॉपीज में देखता था और रुकते ही नहीं बनता था, तो मैं रोने लग जाता था। बहुत दिन तक रिक्वेस्ट किया, बहुत दिन तक रोया, उसके बाद भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तो 4th of May 2014 को आई ट्राई टू कमिट सुसाइड। 5 दिन अस्पताल में पड़ा रहा, जब डॉक्टर्स इस बात पे श्योर नहीं थे कि मैं बचूंगा, मतलब कार में बैठ के घर जाऊंगा या कंधे पे निकलना पड़ेगा यहाँ से। 5 दिन बाद बच गया। कुछ लोगों ने बोला बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है, तभी भी समझ नहीं आया कि ये क्या पागल लोग हो क्या तुम लोग। वहाँ से ठीक हुआ, फिर इच्छा नहीं थी वापस 6वां रेस्टोरेंट बनाने की, एक और कार खरीदने की, और पैसा कमाने की। और घर आने के बाद भी वो ड्राइंग कॉपीज वहीं पड़ी हुई थी। तो मेरा बेटा ना मार्वल फिल्म्स का बहुत बड़ा बड़ा जबरा वाला फैन था। मार्वल फिल्म्स आप लोग देखते होंगे ना, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, उसको वो सब मालूम था, उनकी बैक स्टोरीज, अगली फिल्म में क्या होने वाला है, कौन कैसे सुपर हीरो बना है, सब। तो आई रियलाइज कि उसको वो सब पता है पर हमारे कल्चर के बारे में नहीं पता है। बट ही इज़ वेरी फैसिनेटेड विद द सुपर हीरोज। तो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट राइटिंग अ स्टोरी, नॉट अ बुक, अ स्टोरी फॉर हिम, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा था कि 2-4-6 महीने में मैं समझा बुझा के वापस ले आऊँगा उनको। तो मैंने सोचा कि जब वो आएंगे तो मैं उनसे कहूँगा कि बेटा दिस इज़ हाउ आई वॉज मिसिंग यू, आई हैव रिटन अ स्टोरी फॉर यू। मैं लिखता गया, वो आए नहीं। मैं और दिन लिखता गया, वो आए नहीं। 1 साल हो गया, वो आए नहीं। 6 साल हो गए मैं लिखता रहा, वो आए नहीं।
वो 6 साल में जो 3 पार्ट में कहानी बनी है वो द हिडन हिंदू। तो अब ऐसा क्या लिख दिया भाई 13 साल के बच्चे के, अब 13 साल के, उस समय 7-8 साल के थे, ऐसा क्या लिख दिया? कोई मेरे पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है बुक लिखने की या फिल्म लिखने की, मेरे पास 7 फिल्में हैं। आखिरी तक आवाज़ आ रही है ना मेरी? मेरे पास 7 फिल्में हैं, ये 3 किताबें हैं, वो तीनों नेशनल बेस्टसेलर इन अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम। फोर्ब्स नाम की लिस्ट का जिक्र आपने सुना होगा, ऐसी एक लिस्ट होती है नीलसन जो ऑथर्स के लिए होती है, उसमें पिछले 3 महीने का जो फोर्थ मंथ में जो पिछले 3 महीने का लिस्ट आया उसमें मैं देश में 5वें नंबर पर था। तो अब आ जाते हैं कि इस बुक में ऐसा क्या लिखा है, शॉर्ट में सुनाऊंगा। और ये इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग बुक है ना, ये मोटिवेशनल बुक नहीं है, ना ही किसी रिलीजन के खिलाफ है, ना ही अपने रिलीजन के प्रो है, ये सिर्फ महज एक कहानी है जो लोग पढ़ रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है। क्यों पढ़ रहे हैं और क्या अच्छा लग रहा है उसका मैं आपको एक छोटा सा टीजर ट्रेलर दे देता हूँ, ठीक है? अघोरी कौन कौन समझता है? करेक्ट। तो एक अघोरी पकड़ में आया है 2020 में और उसको रॉस आइलैंड नाम की जगह पे लेके गए। रॉस आइलैंड एक्चुअली एग्जिस्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ आर कंट्री, अंडमान से और आगे जी। तो वहाँ पे 7 एक्सपर्ट बैठे हैं इस एक अघोरी को इंटरोगेट करने के लिए। सवाल जवाब शुरू होता है, उसको नार्को टेस्ट इंजेक्शन देते हैं ताकि वो झूठ ना बोल पाए। नार्को का असर उस पर जो होना चाहिए वो नहीं होता है, तो उसको पैरेलली हिप्नोटाइज करते हैं, सम्मोहित करते हैं और फिर उससे सवाल जवाब शुरू करते हैं। उसके पास अब झूठ बोलने, ही हैज़ नो मार्जिन्स टू लाई, उसके मुँह से जो निकलेगा सच निकलेगा। उससे जब सवाल जवाब शुरू करते हैं तो वो कहता है कि मेरा नाम ओम शास्त्री है, मेरी उम्र 40 साल के आसपास है और मेरी उम्र ठहर गई है, बढ़ती नहीं है, मेरी उम्र नहीं बढ़ती और मैं मरता नहीं हूँ और मैं सत्युग से देवभूमि भारत में हूँ। अब नेचुरली इस बात को मान पाना बहुत कठिन है मेडिकल साइंस और आज के लोगों के लिए, मगर प्रॉब्लम यह है कि नार्को टेस्ट इंजेक्शन और हिप्नोटिज्म के बाद वो झूठ नहीं बोल सकता है और जो वो बोल रहा है वो मेडिकल साइंस के हिसाब से सच नहीं हो सकता। तो झूठ और सच के बीच में ये अघोरी है क्या? यहाँ से कहानी शुरू होती है। ये लोग 1 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, बोलते हैं ऑल दो वी आर नॉट बाइंग योर शिट, तुमको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चनिंग यू मोर, सवाल जवाब के लिहाज से पूछ रहे हैं कि एक आदमी 60-70 साल जिंदा रहता है तो इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने की कोशिश करता है, करेक्ट? हर कोई चाहता है ना इतिहास में उनका नाम हो। तो तुम तब से जिंदा हो, तुम्हारा इतिहास में कहीं कोई नाम नहीं? तो वो कहता है कि नहीं, मेरा कुछ बार अलग अलग नामों से नाम है। बोलते हैं जैसे? तो बोलता है त्रेता युग में मेरा नाम सुषेण था। अब इन लोगों को पता ही नहीं कौन सुषेण, क्या त्रेता। तो इन 7 एक्सपर्ट्स में एक ऐसा शख्स है जिसको हिंदू कल्चर के बारे में पता है, उसका नाम है अभिलाष। वो कहता है कि अगर ये त्रेता युग की बात कर रहा है तो ये रामायण काल की बात कर रहा है और सुषेण वो वैद्य था जिसने लक्ष्मण की जान बचाने के लिए संजीवनी बोटी सजेस्ट की थी। वो हनुमान पहाड़ लेके उड़ रहे, देखा है ना फोटो में, वो उनके बोलने पे उड़े थे। अब इस पूरी टीम को और पक्का हो जाता है कि ये अघोरी पगला है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता। वापस बोलते हैं कि और क्या लगता है तेरे को, पगले कौन है तू और कौन रह चुका है? इस बार वो बोलता है कि द्वापर युग में मेरा नाम विदुर था। फिर वो जो बंदा है वो बताता है कि अगर द्वापर युग की बात कर रहा है तो महाभारत काल की बात कर रहा है और विदुर जो थे वो पांडवों और कौरवों के चाचा थे, मतलब धृतराष्ट्र और पांडु के ब्रदर थे, दासी पुत्र विदुर। इतना बोल के ना ये जो पंडित है जो बता रहा है वो ठिठक के चुप हो जाता है, कुछ सोचने लग जाता है एंड टीम इज लाइक हेलो तुम कहाँ खो गए। अब वो जो अपनी टीम को बताता है और जो मैं आप सबको बता रहा हूँ ये सच है, ये फैक्ट है, मैंने फैब्रिकेट नहीं किया इसको। वो बोलता है कि एक अच्छा लेखक, एक अच्छा राइटर अपने हर किरदार को क्लोजर देता है। आप फिल्म देखने जाते हैं सब, लास्ट में आपको जानना होता है ना हर किरदार, हर कैरेक्टर का एंड में क्या हुआ। दैट इज़ अ गुड राइटिंग, दैट इफ यू हैव क्रिएटेड अ कैरेक्टर यू नीड टू फिनिश द कैरेक्टर, द आर्क ऑफ इट। तो वो बोलता है कि हर अच्छा लेखक जो है वो अपने किरदारों को अंत देता है और वेदव्यास और वाल्मीकि से बड़े लेखक हुए नहीं, लेकिन ये सत्य है कि रामायण के अंत में सुषेण का अंत और महाभारत के अंत में विदुर का अंत मिसिंग है। हमको आज तक नहीं पता कि इन दोनों किरदारों का क्या हुआ, और ये इन्हीं दोनों का नाम ले रहा है, ये इन दोनों का नाम क्यों ले रहा है? तो क्यों शब्द सवाल बन के अघोरी के कान में जाता है और वो बोलता है कि जब मैं मरा ही नहीं था तो वेदव्यास और वाल्मीकि मेरा अंत कैसे लिखते, इसीलिए तो नहीं लिखा है। सो बेसिकली नाउ इज ऑथेंटिकेटिंग ऑन द फैक्ट
कि रामायण और महाभारत हुआ था और मैं उसका भुगत भोगी हूँ, आई हैव विटनेस्ड ऑल ऑफ इट। वापस आते हैं, बोलते हैं और क्या लगता है कौन रह चुके हो तुम? तो इस बार बोलता है कलयुग की शुरुआत में मेरा नाम विष्णुगुप्त था। अब इनको नहीं पता, और विष्णुगुप्त के साथ कोई तो भी श्लोक बोल के उठ जाता है अचानक से। ये बाहर जाते हैं, बोलते हैं बाकी सब 660 सवाल हैं, लेकिन उठने के पहले इसने कौन सी भाषा बोली? तो इनमें एक और किरदार है जिसका नाम परिमल है, जो PhD इन इंडियन हिस्ट्री है। वो बताता है कि इसने वैदिक संस्कृत में एक श्लोक कहा है, विच इज़ ओरिजिनली रिटन एंड सेड बाई चाणक्य। बोले हाँ, तो चाणक्य का लिखा और बोला श्लोक, ये क्यों बोल रहा है? तब वो बताता है, और ये फिर सच है, कि चाणक्य का असली नाम चाणक्य नहीं है, चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त है। चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त को चाणक्य पुत्र चाणक्य की उपाधि दी थी, जिसकी वजह से हम उसको चाणक्य के नाम से जानते हैं। करेक्ट। फिर से उसको नार्कोटेस्ट इंजेक्शन देते हैं, फिर सम्मोहित करते हैं, फिर सवाल जवाब शुरू करते हैं। और इस बार सवाल है कि हर किसी का कोई पर्पज होता है ना लाइफ, आप दुनिया में आए आपको पता हो या ना पता हो, बट यू आर हियर टू सर्व अ पर्पज। फॉर एग्जाम्पल, हिटलर की मम्मी को पता ही नहीं था कि उनका पर्पस क्या है, वो बच्चे पैदा किए होंगे बहुत सारा, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, उसकी मम्मी ने मेरे को बताया नहीं अभी तक। वो बच्चे पैदा किए होगी, फिर वो देखी होगी कि एक बच्चा बड़ा होना रुक गया है, 4.5 फुट में अटक गया है। बोले होगी कैसा बच्चा है ये, क्या कर दिया ये मैंने। उनको नहीं पता था कि वो 6.5-4 फुट का बंदा दुनिया का सेकेंड सबसे बड़ा वॉर कर देगा इस वर्ल्ड में, वो बना अडॉल्फ हिटलर। तो कई बार आपको आपकी लाइफ का पर्पस पता होता है, कई बार नहीं पता होता है, मगर पर्पस तो होता है ना। जैसे कि छोड़िए, हम लोग राहुल गांधी पे नहीं जाते। तो इससे पूछते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? तो बोलता है मैं ढूंढ रहा हूं एक आदमी को। तुम, यू आउट ऑफ ऑल हुज क्लेमिंग टू हैव बीन अलाइव सिंस देन इज सर्चिंग अनदर मैन। बोले जी मैं दूसरे आदमी ढूंढ रहा हूं। बोले किसको ढूंढ रहे हो? बोलता है सुभाष चंद्र बोस को ढूंढ रहा हूं। मतलब पागल वागल है क्या ये? रामायण से शुरू किया, महाभारत लेके आया, फिर बोलता है कलयुग के शुरुआत में चाणक्य भी मैं हूँ। बाय द वे, आपको और मुझे अभी तक चाणक्य का भी कंप्लीट और श्योर एंड नहीं पता है। तो उसने 3 अलग अलग युगों से 3 ऐसे नाम लिए जिनका अंत आपको और मुझको अब तक नहीं पता है। तो बोलते पागल है क्या ये? अब बोलता है सुभाष चंद्र बोस ढूंढा। सुभाष चंद्र बोस मर गए? तो बोलता है नहीं, मरे नहीं है, जिंदा है। बोले व्हाई डू यू थिंक दैट ही इज अलाइव? ही सेज आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा लगता नहीं है, मुझे पता है कि वो जिंदा है। तो पूछते हैं तुमको क्यों लगता है कि तुमको पता है कि सुभाष चंद्र बोस अभी तक जिंदा है? अब जो वो जवाब देता है ना, वो सबकी सांसें रोक देता है। वो बोलता है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस मेरे हिसाब से कोई और नहीं, अश्वत्थामा है। बैक इन महाभारत जब मैं विदुर था तो मैं अश्वत्थामा से मिला हूं, और मैं इकलौता जीता जागता शख्स हूं जिसको ये मालूम है कि अश्वत्थामा आज कैसा दिखता है। पर इसके पहले कि मैं उन तक पहुंचता और उनसे मिलके उनको बताता कि मैं उन जैसा हूं, उन्होंने 1945 में ताहिको फरमोसा नामक एक जगह पे प्लेन क्रैश का स्टोरी बना के वो गायब हो गए। ताहिको फरमोसा इज व्हाट वी कॉल ताइवान नाउ, और प्लेन क्रैश वाली जो स्टोरी है दैट इज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल येट द मोस्ट एक्सेप्टेबल यू नो स्टोरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस इज डेथ। अब ये भी सच है कि सुभाष चंद्र बोस भी अब तक इंडियन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में 5 बार 5 अलग अलग नामों से 5 अलग अलग जगह पे मर चुके हैं। असल में कहाँ मरे नहीं पता। 1947 में अगर मर गए थे तो आखिरी उनकी जो जिंदा तस्वीर है वो 1961 में है पेरिस की। 1961-1947 के बहुत बाद आता है, ठीक है। तो ये बोलता है कि मैं अश्वत्थामा को ढूंढ रहा था, वो सुभाष चंद्र बोस थे, पर जब तक मैं उन तक पहुंचता वो गायब हो गए प्लेन क्रैश का स्टोरी बना के, और मैं उनको ये बता नहीं पाया कि मैं उन जैसा हूँ। तो ये लोग बोलते हैं वो एक मिनट, उन लोगों जैसा मतलब तुम और किसको ढूंढ रहे हो? और बोलता है मैं परशुराम को भी ढूंढ रहा। आप लोगों को मज़ा आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे? इसीलिए मैं इसके आगे आपको नहीं सुनाऊंगा। इसके आगे जानने के लिए आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी। कहानी के अंदर कहानी हो गई, फ्लैशबैक पे चले गए। तो वापस आते हैं, मैं इस तरीके से इंदौर में ये सब हुआ, समय बिगड़ा, और इंदौर से मैंने अपने फादर को बोला। मेरे फादर अभी भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। आप लोग सब अडल्ट्स हैं ना? हाँ, तो आई बीन ड्रिंकिंग विद माई डैड सिंस व्हेन आई वाज इन क्लास 9th। सॉरी मैम, जी नहीं, हम हॉस्टल में थे ना। हमारे फादर को पता था कि बिगड़ा तो तुम हो गए किसी दिन, तो तुमको पता होना चाहिए कि क्या, कितना और कहाँ। तो वो सीख के तौर पे थी।
तो मैंने अपने फादर से कहा कि मैं लिखना चाहता हूँ, राइटर बनना चाहता हूँ, मैं बॉम्बे जाना चाहता हूँ, मुंबई जाना चाहता हूँ। उन्होंने बोला 2 साल का समय लो, नहीं तो 4-5 रेस्टोरेंट है आके संभाल लेना, कुछ तो कर ही लेंगे हम। उस 2 साल में बॉम्बे पहुँच के समझ में आया कि एक कहानी से काम नहीं चलेगा, वहाँ साड़ी की दुकान लगी हुई है। साड़ी की दुकान क्यों, हम लोग सबने देखा ना क्या होता है कि साड़ी की नहीं शर्ट की भी दुकान बोल सकते हैं, मैं लेडीज़ के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल रहा। होता क्या है ना कि आपको जब कुछ अच्छा भी लग जाता है तो बोलते हैं इसको साइड में रख दो और दिखाओ। तो हमारी एज राइटर्स यही हालत होती है कि बहुत ही अच्छी कहानी आरक्षित और क्या अच्छी लगी है तो साइन करो, पैसे दो, मेरे भी किचन में सामान आता है। तो ये वहाँ जाके समझ में आया कि बहुत सारी कहानियाँ होगी तो शायद कुछ एक निकलेगा। तो उस समय मैं इस कहानी पे काम करते करते और कहानियों पे काम करना शुरू किया। आज की डेट में मेरे पास 7 फिल्में हैं और ये तीनों किताब अच्छी चल रही हैं। हिंदी में प्रभात प्रकाशन ने सबसे पहले इस कहानी पे और मुझ पे भरोसा दिखाया। मेरे दोनों तरफ से लेफ्ट राइट बन के बैठे हुए हैं प्रभात जी, प्रभात पब्लिकेशन के ओनर हैं। ये पीयूष जी हैं, इनके लक्ष्मण, और इनके फादर ने इनको 9th पे कभी ड्रिंक नहीं कराया, मैं इनका चेहरा देख के बता सकता हूँ। लेकिन अब देखिए, मैंने आपको अपने पर्सनल लाइफ से लेके, हार्ट अटैक से लेके, सुसाइड से लेके, मेरी पत्नी को मेरे ही दोस्त से प्यार हो गया से लेके सब बताया, ठीक है। आप में से कुछ लोग, क्या होता है ना, आप जब किसी के साथ हंसते हैं ना तो उसके दुख में शरीक हो जाते हैं अपने आप। तो जब आप मेरे साथ हंस लिए ना तो आपको कहीं ना कहीं, अरे यार इतना बुरा बंदा नहीं था ये। लेकिन मैं आप में से किसी को दुख तकलीफ में छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ। तो जब ये सब हुआ था ना यार, तो मैंने मन बनाया था कि कुछ भी हो जाए अगली बार जीवन में कभी प्यार में नहीं पड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। पर फिर मेरे को एक लड़की मिली, बहुत अच्छी लड़की, तो मेरे को फिर से प्यार हो गया। पर प्यार व्यार सब ठीक है, मैंने बोला प्यार व्यार सब ठीक है, कुछ भी हो जाए। पर वो बहुत ही अच्छी थी तो गुप्ता जी ने फिर से शादी कर ली। अब बॉम्बे में अपने घर की बालकनी, मेरा घर बहुत खूबसूरत है, आप में से कोई भी, और ये ओपन इनविटेशन है, आप में से कोई भी बॉम्बे आए तो मेरे घर ज़रूर आइएगा। मड आइलैंड में मैं रहता हूँ, 34 माले पे फ्लैट है, दोनों तरफ समंदर है, ब्लेसिंग। तो मैं उस बालकनी में खड़ा हुआ था, सनसेट देखते देखते मैंने सोचा कि गुप्ता जी क्या कर लिया तुमने, सब गलतियाँ फिर से। तो उससे 2 लाइनें निकल के आईं, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले मेरा परिचय दिया था कि हाय माय नेम इज़ अक्षत गुप्ता, आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। तो ऑथर की बात हो गई है, हाउस हस्बैंड की बात अभी होगी, ऑथर की बात हो गई, स्क्रीन राइटिंग की भी बात लगभग लगभग थोड़ी बहुत हो गई। क्या है ना, आधे पौन घंटे में आप पूरी दुनिया नहीं समेट सकते। तो वहाँ खड़े खड़े जब समझ में आया कि सारी गलतियाँ फिर से कर मारी हैं, तो 2 लाइनें लिखाई आप लोगों के लिए। वो है कि जहाँ से चले थे फिर वहीं आकर ठहरे हैं, जहाँ से चले थे फिर वहीं आकर ठहरे हैं, एक उम्र लग गई समझते कि दुनिया गोल है। तो अब मैं जिस स्थिति में जहाँ खड़ा हूँ, आप लोगों को हंसा पा रहा हूँ, आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, यहाँ पे एक और बहुत, 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें समझ में आती है। एक मैंने आपको सीख दी थी ना कि 22 साल की उम्र में शादी नहीं करते, गलती होती है। दूसरी सीख ये है कि ये जो एक लाइन है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये इतनी क्लीशेड लाइन है, इतनी घिसी पिटी लाइन है, पर ये ख़त्म इसीलिए नहीं हो रही इस दुनिया से क्योंकि ये सच है। हम जब उसके अंदर होते हैं, और हमको यही लाइन दूसरे बोलते हैं तो हमको नाराज़गी होती है, फिर समय बीतता है और हम उसके बाहर आ जाते हैं और फिर हमको दिखता है कि ये लाइन सही है, और फिर हम नए लोगों को वही लाइन बोलते हैं और उनका भी मन करता है ऐसे ही मारने का कि अच्छा क्या है जीवन में, बहुत सारी चीज़ें हैं यार अच्छी। और दूसरी छोटी सी सीख ये है कि एक बड़ी पुरानी कहावत है कि चूज़ योर वर्ड्स वेरी केयरफुली, आई से चूज़ योर वर्ड्स एंड योर पार्टनर वेरी केयरफुली। तो अभी मैं एक दिन रील देख रहा था, तो उसमें रील में कोई फॉरेन का कुछ रील था, उसमें कोई बोलता है कि अंडरस्टैंडिंग वोमेन इज सो इट्स ईजी, इफ यू गेट द राइट गर्ल, इफ यू फाइंड द राइट गर्ल यू फाउंड बाबी, इफ यू फाउंड अ रॉन्ग गर्ल यू फाउंड एनाबेल। यू नो व्हाट, आई फाउंड बोथ।
सो इसलिए आई एम द राइट पर्सन टू टेल ऑल ऑफ यू दैट चूज योर पार्टनर्स वेरी वेरी केयरफुली. सवाल जवाब पे चलते हैं. मैम बोलेंगी हो गया तेरा आधा घंटा, चलो. सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एंड टॉक टू मी एज कैंडिड एज आई हैव बीन विद ऑल ऑफ यू. आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट. और सवाल पूछने वालों के लिए मेरे पास कोई तोहफा भी है. नहीं, तोहफा नाम सुन के हाथ उठने शुरू. ओके, वन आफ्टर अनदर. जी, मेरे दो सवाल हैं. पहले कि भारत में बाहर से बहुत सारी जातियां आईं, जी, लेकिन क्या वैज्ञानिक कारण या क्या कारण रहे कि हिंदुत्व या हिंदू जाति जो है, एक धर्म या जाति कहें इसको, तो एक हिंदू जाति की संख्या इतनी बड़ी हो गई, तो सब जातियां के एक साथ मिलकर एक संस्कृति बनाने के पीछे जो वैज्ञानिक कारण है वो मुझे जानना है. ये पहला प्रश्न है. दूसरा प्रश्न ये है सर कि आप बोले कि मैं फुल टाइम जो हस्बैंड है. देखिए, इस बात को बोलने में भी लोग फंबल करते हैं. सर फुल टाइम आप हस्बैंड और जो कम समय में फुल टाइम हाउस हस्बैंड और कम समय में आप जो है वो लिखते हैं जो भी है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको क्या मोटिवेट करता है, क्योंकि आप जब कुछ लिखते हो तो एक समय ऐसा आता है कि जब बहुत आपको ऐसा लगता है मैं बहुत चीज लिख चुका हूँ, तो वो आपको मोटिवेट आगे जाने के लिए क्या करता है? आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ, क्योंकि वो जवाब छोटा है. अगर वैसे आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, पर अगर होता तो आपको पता होता कि मेरा फेवरेट कोट है, बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस. बड़ा आसान है बोलना कि सुसाइड करने वाले डरपोक होते हैं, बुजदिल होते हैं. जो करता है उससे पूछो कि वो क्या चीज़ से गुजर के उस स्थिति तक पहुँचा है. और बड़ा आसान है बोलना कि नफरत करना बहुत बुरा है, नफरत अच्छा नहीं होता है. आई से दैट हेटरेड इज़ द बेस्ट मोटिवेटर. आप प्यार में शायद वो ना कर पाएं जो आप नफरत में कर लेंगे. नफरत जो है ना वो बहुत बहुत प्योर इमोशन है. नफरत ना बहुत ज़्यादा प्योर इमोशन है, उसमें मिलावट नहीं होती. प्यार में हो जाती, नफरत में मिलावट नहीं होती. तो मेरा फेवरेट कोट यही है और यही रहेगा, एंड इट हैज़ रियली मोटिवेटेड मी. क्योंकि तो जब मैं बॉम्बे नया नया आया था ना, आप सवाल पूछेंगे ना उसमें से कोई ना कोई कहानी छोटी छोटी निकलेंगी, सॉरी है उसके लिए. जब मैं बॉम्बे आया था, उसके पहले इंदौर में मेरा बहुत बड़ा सर्कल था. आप समझ सकते हैं कि 5 रेस्टोरेंट चलाने वाला सोशली इक्विप्ड होगा. मेरा एक बहुत बड़ा सर्कल था जिनके साथ किटी पार्टीज़ होती ना, तो कपल किटी थी, 27 कपल्स थे हमारे अलावा, हमको मिला के टोटल 28 कपल्स थे. फिर ये सुसाइड हुआ, फिर मैं बॉम्बे छोड़ के आ गया. वहाँ लगभग सब लोगों से मैंने बात करना छोड़ दिया, क्योंकि मैं डिप्रेस था, डिप्रेशन में था. तो यही 27 कपल इससे भी बड़े एक हॉल में पार्टी कर रहे थे, ड्रिंक्स विंक्स चला था, सबकी वाइफ्स थी. एक कोने से एक शख्स ने पूछा कि अरे वो अपने बीच में वो अक्षत गुप्ता था, मर कब गया, जिंदा है? तो दूसरी तरफ से एक ही को पता था कि मैं मुंबई गया हूँ राइटर बनने. तो उसने कहा कि नहीं नहीं, अब उसकी तबीयत ठीक है, मुंबई गया है राइटर बनने. तो तीसरी तरफ से एक बंदे ने मेरे एब्सेंस में मेरा मखौल उड़ाते हुए ये कहा था कि तूने गलत सुन लिया होगा, वो रेस्टोरेंट चलाता था, पैसे अब उसके पास बचे नहीं हैं, रेस्टोरेंट के अलावा उसको कोई काम नहीं आता है, वो बॉम्बे में जूठा उठाने और टेबल साफ करने के अलावा उससे ऊपर इस जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा. उसने बोला होगा मैं बॉम्बे वेटर बनने जा रहा हूँ, तूने सुन लिया होगा राइटर बनने जा रहा हूँ. और पूरे 27 कपल हंसे थे. ये बात आज भी चुभती है, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है. तो वो ये बात, इस बात ने बहुत मोटिवेट किया था. जब मैं सुसाइड की कोशिश करके बच गया था, तो थाने में सामने वाला परिवार आके बोला था कि देखो कितना बड़ा फेलियर है ये आदमी, कि ये मरने गया और उसमें भी फेल हो गया. हा 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 हा. तो ये बात बहुत मोटिवेट करती है कि उन लोगों को इस बात की तकलीफ होनी चाहिए कि मुझसे नाता तोड़ना गलत था, मैं साथ होता तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होते आज. तो मुझे इससे कोई परहेज़ नहीं है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अगर मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो मैं ये सब आपसे बोलता ही नहीं. पर मेरा ये भी मानना है कि अनलेस एंड अनटिल आई विल नॉट एक्सेप्ट माई सेल्फ ग्रेसफुली, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू एक्सेप्ट मी एज अ पर्सन आई एम. ये है आपके पहले सवाल का जवाब. दूसरा, अलग अलग कल्चर के लोग भारत आते हैं और वो हिंदू धर्म और हिंदूज का साइज जो बढ़ता जा रहा है, उस पर मेरी लिखी एक कविता है, मैं आपको उसके माध्यम से जवाब देता हूँ. हम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम बहुत बैलेंस्ड चलना पसंद करते हैं. हर कोई एक जैसा नहीं होता है, पर हम जो लोग हैं ना, हम वो हैं कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का भारत,
इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम, मैं हिंदू हूं। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूं। पीर फकीर अली वली सियावर राम का हनुमान भी मैं हूं। भोला हूं, भोला हूं, सरल भी, तुम्हारा मित्र भी मैं हूं। घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूं। इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम, मैं हिंदू हूं। प्रणाम, प्रणाम का भाव भी मैं हूं, आक्रमण का घाव भी मैं हूं। सहनशील, स्थिर और शांत भी मैं हूं। देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूं। शक्ति, भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूं। तूफान हूं और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूं। इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम, मैं हिंदू। किसी भी चीज़ का फ्लो, किसी भी चीज़ का, दिन का, रूटीन का, रिश्तों का, लेखन का, फ्लो कंटिन्यू नहीं हो सकता। हम डिसिप्लिन होने की कोशिश कर सकते हैं, पर आप जितने भी अच्छे जिम मेंबर हों, चीट डेज आपके भी आएंगे, करेक्ट? चीट डेज वही होता है ना कि आज हम सब करेंगे यार, नहीं जाएंगे जिम, तो उस पर आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या है ना, आपने कुछ किरदार गढ़े हैं, ठीक है, किरदार हैं, घोड़े नहीं, समझ रहे हैं आप? उनकी लगाम थाम के चलेंगे और उनको डायरेक्ट करेंगे तो वो नहीं करेंगे जो वो करना चाहते हैं, वो करेंगे जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। तो उन आप जब एक किरदार गढ़ रहे हैं ना, आप जब एक किरदार गढ़ रहे हैं ना, तो किरदार को बनाने के बाद क्या होता है ना, हम लोग बच्चा पैदा करते हैं, आप लोग, मतलब हम लोग नहीं, मतलब, और उसके बाद ना हमको लगता है ये हमारा है, हम डिसाइड करेंगे क्या करेगा, कितने बजे उठेगा, कौन से रंग का कपड़ा पहनेगा, कैसा हेयर स्टाइल रखेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। वो एक अपने आप में एक इंसान है ना, बुद्धिजीवी है, छोटा हो सकता है पर है तो इंसान, उसको उसका रास्ता तय करने दीजिए। वैसे ही आपके किरदार हैं, किरदार घोड़े नहीं हैं, उन पर लगाम मत लगाइए। जब लग रहा है ना कि आगे कहानी नहीं बढ़ रही है, छोड़ दीजिए, रख दीजिए, एक दो तीन, वो दिन हो सकते हैं, हफ्ते हो सकते हैं, महीने हो सकते हैं, छोड़ दीजिए। मुझे ये तीन पार्ट लिखने में 6 साल लगा है, 6 साल, वो 250-300 पन्ने की तीनों किताब है, 250-300-300 बस। तो क्या कर रहा था मैं 6 साल, वो मुझे बता रहे थे, मैं उनको नहीं बता रहा। समय दीजिए जी। जी जी, तो ये कहा था कुछ है कि मतलब इससे उपाधि पर प्रश्न चिन्ह किया जाए, क्यों? और आपने उसी इंटरव्यू में ये भी बोला कि कहीं ना कहीं भारतीय क्रांतिकारियों से ज्यादा योगदान रहा हिटलर का भारतवादी। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, पर आप कुछ हद तक सही कह रहे हैं, इसको मैं अभी सफाई दे दूंगा इसकी। तो मतलब इससे क्या भारतीय क्रांतिकारियों की छवि धूमिल नहीं? बहुत अच्छी बात है कि मैंने आपको पहले से, आपने सवाल सुन लिया ना, बहुत अच्छी बात है कि मैंने आपको पहले से बताया कि आज भी मेरे जो बेस्ट फ्रेंड हैं वो मेरे पिता हैं, सबसे अच्छे दोस्त हैं मेरे, पर मेरे पिता से भी गलतियां होती हैं, क्योंकि पिता इंसान है ना, गलती करेगा, क्यों नहीं करेगा। उनको उस समय जो सही लगा होगा उन्होंने किया होगा, लेकिन वो आज का सत्य हो और आज का सच हो वो ज़रूरी नहीं है ना। अब आप ये बताइए, इसी चीज़ पर मैंने ये भी बोला था, आप लोगों में से किसी ने एल्विस प्रेस्ली का नाम सुना है? एल्विस प्रेस्ली, हाँ, थैंक यू। एल्विस प्रेस्ली यूएस के एक बड़े धुरंधर पॉप सिंगर थे, तो जब एल्विस प्रेस्ली गाना शुरू किए और उनका नाम बड़ा हुआ तो लोगों ने कहा कि ये तो गॉड ऑफ पॉप है। उस समय कैसेट सीडीज नहीं होते थे, उस समय कम लोगों तक बात पहुंचती थी, तो वो गॉड ऑफ पॉप हो गए। उसके थोड़े समय बाद ये हो जाने देते हैं।
तो कमिंग बैक टू, आपका नाम नहीं पूछा मैं, आदर्श सिंह। तो सिंह साहब, अच्छा हुआ कि मैंने बताया कि मेरे पिता मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, पर उनसे भी गलती होती है और हम आमने सामने बैठ के ना उस पर बात करते हैं कि ये बात शायद आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था या आप ऐसा करते तो बेहतर होता। हम उस धर्म से मैं उस धर्म से आता हूँ जहाँ हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान से तू करके बात करते हैं और उसको भी शिकायत कर लेते हैं। तो गांधी जी कोई भी होंगे, भगवान से बड़े नहीं है मेरे लिए। तो अगर मैं अपने भगवान से शिकायत कर सकता हूँ तो मैं एक इंसान की शिकायत दूसरे इंसान से तो कर ही सकता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्र की संतान होती है, राष्ट्र का पिता नहीं होता। भारत माँ एक देवी है ना, तो फिर किसी देव को होना चाहिए ना हमारा पिता। गौ हमारी माता है ना, तो बैल को बाप बोल लेंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना। उस समय के लोगों ने जो किया उनके लिए सही होगा, लेकिन अगर हमारे दादाजी साइकिल पे चलते थे धोती पहन के, तो मैं धोती तो आज भी पहन गया हूँ पर साइकिल पे तो नहीं चल सकता ना, क्योंकि शहर का साइज बढ़ गया। समय के साथ परिवर्तन होता है। तो एल्विस प्रेस्ली को लोगों ने गॉड ऑफ पॉप कह दिया, फिर कैसेट सीडीज बनना चालू हुआ, और कैसेट्स और सीडीज के दौर में एक और धुरंधर सिंगर आया, उसका नाम था माइकल जैक्सन। उसको वो एल्विस प्रेस्ली से भी बेहतर था, तो उसको बोले ये किंग ऑफ पॉप है, क्योंकि गॉड ऑफ पॉप की उपाधि तो जा चुकी थी ना, जल्दी में थे ना हम उपाधि बांटने की, तो उसको बोल दिया किंग ऑफ पॉप। अब 2024 में एक ऐसा सिंगर अगर आ जाएगा वर्ल्ड वाइड कहीं भी जो इन दोनों से बेहतर होगा, तो आप उसको क्या बोलेंगे? इस बात का कोई मेजरमेंट स्केल, आप लोग पढ़ रहे हैं, स्केल होता है ना आपके कॉम्पास में, नापने की पद्धति है ना, किसी की राष्ट्रीयता और किसी की देशभक्ति कैसे नाप पाए कि किसी को पिता बना दिया, तो फिर उससे कम वाले को चाचा बोलेंगे या उससे ज्यादा वाले को बड़े पापा बोलेंगे? दादाजी कहाँ हैं? नहीं, कुछ उपाधियां निश्चित कर दी जाती हैं, जो कि गलत है। मैं एक अच्छा लेखक हो सकता हूं पर मैं बेस्ट लेखक नहीं हो सकता। अगर इस दौर में मैं बेस्ट लेखक भी हो जाऊंगा तो भी मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट करके ये नहीं बोल सकता कि आने वाले समय में मुझसे बेहतर कोई नहीं होगा। गांधी जी से बेहतर कैसे कोई नहीं हो सकता? सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे थे? मैं तो बोल रहा हूँ पिता तुल्य हैं, और बहुत सम्मान के तौर पे बोल रहा हूँ कि मैं सुभाष चंद्र बोस का ज्यादा मुरीद हूँ, ज्यादा फैन हूँ गांधी जी के बनिस्पत, ठीक है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर मैं सुभाष चंद्र बोस को पसंद करता हूँ तो सुभाष चंद्र बोस से गलती नहीं हो सकती। इंसान ही थे, उनसे उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने पहले कांग्रेस ज्वाइन की, और ये वो खुद बोलते थे। तो श्रेष्ठ वो नहीं होता जिससे गलती ना हो, श्रेष्ठ वो होता है जो अपनी गलती को माने। तो वो गए हिटलर से मिले, वहाँ हिटलर को डांटा, वहाँ से आज़ाद हिंद फौज बनाया, उसको लेके वापस आ रहे थे, वहाँ भी उनके साथ धोखा हुआ। तो तरीके अलग अलग थे लड़ने के। आज आप मान लीजिए कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कीजिए, अब भी करके दिखाता हूँ क्या होगा। मैं यही तो कहाँ बांधे रखा, उन्होंने कहा था कि देश का विभाजन मेरे लाश के ऊपर से होगा, तो जिंदा थे, देश का विभाजन हो गया। नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मारी, नाथूराम गोडसे हिंदू, गांधी हिंदू, किसी देशभक्त मुस्लिम ने जिन्ना को गोली उस दिन क्यों नहीं मार दी जिस दिन उसने कहा कि टू नेशन थ्योरी करेंगे? नहीं हुआ ना ऐसा। और देखिए, जहां तक बात है आपका दूसरा था कि मैंने बोल दिया कि हिटलर ने भारत को आजादी दिलाई, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि अगर तथ्य पे बात करनी है, जो लोग 200 साल आपके सर पे बैठे हुए थे वो गांधी जी के सत्याग्रह के कारण चले गए, ये गलत लाइन है। मैं इसका खंडन करता हूँ जहाँ आप चाहें। पूरा देश लड़ रहा था, अनगिनत लोग मरे थे, ठीक है ना, तो एक आदमी को श्रेय देना गलत है। दूसरी बात, अगर आप तथ्यों पे बात करना चाहें तो क्वीन एलिजाबेथ हम आज भी अपनी ज़मीन से निकाल रहे हैं ना, तो उनको भी पता था कि इस ज़मीन में और है सोना निकालने को। वो स्वेच्छा से, वो उनमें देवी प्रज्वलित नहीं हो गई थी कि उन्होंने सोचा कि चलो आज भारत को छोड़ देते हैं, ठीक है। पहली बात, 1947 में हमको आज़ादी मिली नहीं है, हमने ली है, मिलती भीख है, बाकी चीज़ें लेनी पड़ती है। तो मैंने हाँ वही तो ये बात कही आप। जी जी जी, कही है कि गलत है, वो सही है, मतलब नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर, नहीं मिली, पावर ऑफ ट्रांसफर, दस्तावेज में वही है जी सर, मैं यही कह रहा हूँ।
मैं यही, आप एकदम सही कह रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो हमको बचपन से सिखाया गया ना, हमको इस तारीख को आज़ादी मिली, ये लिखा हुआ टेक्स्ट में हमारे बचपन में आप और मैं एक ही तरफ तो हैं जी। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ। तो तथ्यों के आधार पे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ब्रिटेन की जो कमर तोड़ी थी हिटलर ने उस वक्त, उसके पास उसके बाद उन पे इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो इतने बड़े देश को अपने कंट्रोल में रख सकें। तो पहला कारण जो बना था कि वो हमको कंट्रोल में रख नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने छोड़ा। तो मैंने कहा था कि अगर देना है तथ्यों के आधार पे तो उसको मिल जाना चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि सबको छोड़ो और उसको दे दो। आपके समझने में थोड़ा सा फेर है, मैं बहुत सोच सम अभी तो बोला चूज योर वर्ड्स एंड पार्टनर्स वेरी केयरफुली। मैंने बुक पढ़ी पर सर मेरे को इसके निष्कर्ष में दो तो समझ में आया पर तीसरा शायद नहीं आया। एक तो पहला तो सर इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसने आप में जो घटनाएं की हैं जो सुश्रुत का लेके हनुमान चालीसा का लेके आज के युवाओं को दिखाया है, जो आपने जो चार अलग अलग युग बताए हैं जो भी आज के युवा उसको बहुत इजी तरीके से समझ में आया। इसके निष्कर्ष में सर लास्ट में जाकर मुझे दिखा कि इंडिया की जो मार्केटिंग है उसने अच्छे से देखी। सुश्रुत का उदाहरण देते हैं कि सुश्रुत संहिता परिषद में उसका रूपांतरण हो गया, उन लोगों ने इसका फायदा उठाया। तो इंडिया की जो भारत की गौरवमय परंपरा है उसका आपने निष्कर्ष दिखाया कि भारत का अतीत कैसा रहा है, उसको अपन को मार्केटिंग की बहुत जरूरत है, उसको वापस उसमें रखने की जरूरत है। और दूसरा लास्ट में सर जाके इसमें यह समझ में आया कि मानव ने विज्ञान का आविष्कार किया जीवन को सुलभ बनाने के लिए, पर उसी विज्ञान के कारण प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी किया। तो दो चीजें तो सर समझ में आई इस पुस्तक से, पर तीसरी सर इसका निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है आज के युवा की प्रासंगिकता के? देखिए, मैंने जब ये कहानी लिखी, बैठ जाइए प्लीज़, मैंने जब ये कहानी लिखी थी तो मैं इतना सोच नहीं पा रहा था कि मैं समाज को क्या देने जा रहा हूँ। वो उसका रिसर्च करते करते पढ़ते पढ़ते अंदर घुसते घुसते मुझे समझ में आया। ये पूरी बात शुरू होने के पहले मैंने सबसे पहले ये कहा था कि ये एक अच्छी कहानी है, इंटरटेनिंग स्टोरी है, उसमें कुछ काम की बातें आप निकालेंगे, वो आपकी निकाली चीज़ें अलग होंगी, किसी और की निकाली चीज़ अलग होगी। निष्कर्ष जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये कहानी है और काल्पनिक कहानी, तो काल्पनिक कहानी को कुछ तथ्यों से, कुछ सत्यता से जोड़ के मैंने पेश करने की कोशिश की है, जितना मेरी लिमिटेड नॉलेज में मुझे समझ में आया। पर मैं कोई उपदेश देने की कोशिश कर नहीं रहा हूँ, मैं मेरी कोशिश नहीं है कि आपको अंत में कोई बहुत बड़ा फ़लसफ़ा मिल जाए इस किताब से। फ़लसफ़े के लिए मैं अलग किताब लिखूँगा जब मुझे लगेगा कि मैं फ़िलासफ़ी का इतना जानकार हो गया, अभी बहुत सीखना बचा। तो आप उसमें जो इन्जॉय कर रहे हैं उसको इन्जॉयमेंट तक ही रखें जी। और कोई? हाँ, कुछ गर्ल्स इधर से आप जी प्लीज। नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं, नहीं नहीं, लैंग्वेज का परफेक्शन होना बिल्कुल ज़रूरी। अभी ये महाशय आके बैठे हैं, आपका नाम क्या है? हुसैन साहब। जी, मैं उनका जवाब दे दूं हुसैन साहब, फिर आपके पास आएंगे। आपको किसी भी लैंग्वेज में बेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेस्ट जैसा कोई शब्द है ही नहीं, यू कैनॉट बी परफेक्ट। तो आपके सवाल पे जवाब देता हूँ, जिसमें हुसैन साहब भी इन्वॉल्व होने वाले हैं मेरी बात पे। इनका सवाल ये है कि मैं पोएट्री लिखती हूँ तो उसमें गलतियाँ हो जाती हैं, उर्दू के उच्चारण सही नहीं हो पाते हैं, करेक्ट? प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ओके, तो कुछ समय पहले हुआ था ऐसा कि मैंने एक कविता लिखी। यूजुअली मैं सबसे पहले अपनी हर कविता अपनी मदर को सुनाता हूँ, शी इज़ अ वेल रेड वुमेन। तो उनको मैंने पढ़ाया और उन्होंने बोला ठीक है यार, ठीक है। तो मैंने बोला अरे कम से कम आपको तो अच्छा लगना चाहिए, बेटा सुना रहे तो बोले नहीं ठीक है। मतलब क्यों ठीक है, अच्छा क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा क्योंकि इसमें कहीं भी हिंदी के शब्द आ रहे हैं, कहीं भी उर्दू के अल्फाज आ रहे हैं, तो किसी को सुनाओगे तो क्या, कहीं खड़े होके क्या बोलोगे कि शायरी है कि छंद है कि कविता है कि नज्म है कि गीत है कि गज़ल है, कुछ नहीं है। ये बोल के वो चली गई। अब मुझे, मेरा पॉइंट ये था कि गई पानी भैंस में या गया भैंस पानी में, भैंस तो गीली हो गई ना। आपको बात समझ में आनी चाहिए ना यार, कौन से अल्फाज का उपयोग किया गया उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक तो लेडी, ऊपर से मदर, तो बहस में तो जीत नहीं सकते आप।
लेकिन अपनी बात भी रखनी है बिना मर्यादा का उल्लंघन किए अपने संस्कारों के दायरे में रहते हुए। तो उनका जो प्रॉब्लम था कि कहीं भी हिंदी के शब्द हैं और कहीं भी उर्दू के अल्फाज हैं, उसमें मैंने जो लिखा है शायद उसमें आपका जवाब छुपा होगा। मैंने लिखा कि जी आ रहे, मैंने लिखा कि मैं उर्दू में शायर का, अब जो आप सुनने वाली हैं सिंह साहिबा, उसमें कई ऐसे शब्द आएंगे जिसका उर्दू और हिंदी में मतलब सेम है, ठीक है, कि मैं उर्दू में शायर कहूँ खुद को या हिंदी में कवि कहूँ, मैं उर्दू में शायर कहूँ खुद को या हिंदी में कवि कहूँ, क्या सही होगा दुरुस्त कहना या दुरुस्त को सही कहूँ। जैसे लकीरें खींची हैं तुमने ज़मीं में आसमान में दिलों में जहान में हर आत्मा हर रूह में हर नयन नक्श हर मुँह में, वैसे ही चलो शब्द भी बांट लें लफ्ज़ भी काट लें, कि हिंदी का हा मैं रख लेता हूँ और उर्दू का वो तुम रख लो, मगर मसला ये है कि इस द का क्या करें जो हिंदी में भी आता है और उर्दू में भी, कि इस द का क्या करें जो हिंदी में भी आता है और उर्दू में भी, कि ये करके द को द से दर्द होगा या द से दुख, दुख हिंदी है दर्द उर्दू, कि ये करके द को द से दर्द होगा या द से दुख, छोड़ो हटाओ द को द ही रहने दो, मुझे मेरी बात कहने दो, भावनाओं को बहने दो। आप अपनी भावनाएं लिखिए। बहुत बढ़िया, अच्छा तो लिख रही हैं।